बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। संगीत का मैं सारंगी आजकल ऑब्सोलीट हो गई है। धन्यवाद और शुक्रिया, और बहुत सुंदर गला पाया आपने मिश्रा जी। सारंगी खास वजह से रखी गई, अक्सर ग्रह के लिए सारंगी का प्रयोग किया जाता है, पर आपने सारे मूड सारंगी से बहुत बखूबी निभाए, कोई खास वजह सारंगी की? ये तो मेरा प्रधान नाटक है सारंगी पर, तो इस्तेमाल भिखारी ठाकुर जी नहीं करते थे, जब ओरिजिनल जिन्होंने लिखा है इस नाटक को गाँव में, हाँ करते थे। सारंगी का तो बहुत ही मस्त था प्रयोग, क्योंकि विरह को और भागने के लिए और उसको और अलग अलग मूड में बारह मासा में सारंगी का प्रयोग हुआ। बारह मूड, बारह रंग, बारह कलर, बारह राग रागिनियाँ उसमें हमने करने की कोशिश की थी। तो सारंगी से, क्योंकि हारमोनियम और सारंगी यही दो वाद्य यंत्र है, तो इसके और भी नाटकों में हम लोगों ने क्लैरिनेट का भी इस्तेमाल किया है, फ्लूट का भी इस्तेमाल किया है। जब जैसे एबिलिटी कलाकार लोग उपलब्धता के ऊपर हम लोग करते रहते हैं, लेकिन सारंगी और हारमोनियम तो बजेगा ही बजेगा, वो मस्त होता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि अनिल मिश्रा जी ने, चूंकि दिल्ली में रहते हैं, पढ़ाते हैं स्कूल में, और बहुत बार उनको छुट्टी नहीं मिलती है या कोई फंक्शन है या कहीं और प्रोग्राम है, तो सारंगी मजबूरी में आके हम लोग नहीं बजा पाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन को चलाना है, किसी एक की वजह से प्रोडक्शन उतना नहीं चाहिए। तो हारमोनियम, क्लैरिनेट, कभी कभी बैंजो हम लोग बजवाते हैं, आजकल बैंजो भी बहुत बजने लगा है लोकनाटकों में, तो डिपेंड करता है कि कैसे। लेकिन इसकी जो मूल आत्मा है, जो विरह प्रोग्राम है, उसको हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको बरकरार रखा जाए, तो सारंगी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है।